यार बजट के एग्जाम नहीं ऐसा नहीं हो क्यों एक साल पढ़ा ना उनका प्रॉब्लम होता ना भाई ऐसा होता है नीचे का प्रॉब्लम होता तो उन्होंने डिस्टर्ब कर देना चीफ सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन बताना है इसको फॉलो काई को नहीं करे मेरे को ये एक रिक्वेस्ट हमारा पेरेंट्स के तरफ से 12:30 के बाद आपके कितने देर बोलते उतने देर बात करो 12:30 के बाद बच्चों का एग्जाम स्कूल सैदाबाद जो सेंट मास हाई स्कूल सैदाबाद का सेंटर बना यहाँ पर कल शाम में भी मुझे कुछ कंप्लेंट आया था कि यहाँ पर लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों को बुरखा ज़बरदस्ती उतार के उनको एग्ज़ाम लिखने लिखाया गया यहाँ पर तो आज सुबह में भी फिर वैसी ही हरकत हुई लड़कियों के पेरेंट्स मुझे फ़ोन किए मैं आया यहाँ पर और हमारे सेंट मास हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट साहब भी यहाँ पर मौजूद हुए आने के बाद में स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे वो लोग ये उनका कहना है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स आए बाहर से वो लोग कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बोल रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट क्या मैं डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात किया बात करने के बाद में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है RC नंबर 01G2DO हैदराबाद ये जबकि क्लियर कट है और इसके अंदर ये पैराग्राफ नंबर एट में सब पैराग्राफ फाइव इफ ए मुस्लिम गर्ल कैंडिडेट डिजायर्स टू टेक एन दी एग्जामिनेशन विथ हर बुरखा ऑन शी शुड बी परमिटेड टू डू सो प्लीज टेक दी हेल्प ऑफ वुमेन इन्विजिलेटर्स टू चेक देम एट द एंट्रेंस ओनली इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी एंड टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ ए फॉरबिडन मटीरियल इफ एनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है स्कूल मैनेजमेंट ये लोग बोल रहे हैं कि मैं ये ऑर्डर होगा गवर्नमेंट का लेकिन हमारे पास नहीं चलता ऐसा चलता नहीं सो जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलता आज दोनों भी हमको एश्योरेंस दिए कि कल से ये वाकया नहीं होगा हम डीओ को तो फॉर्मल प्रोटेस्ट दिए रिटर्न कंप्लेंट भी देंगे डीओ को इसके बारे में अगर इसके खिलाफ में अगर कोई कल से होंगी हरकत ऐसी यही स्कूल नहीं हैदराबाद सिकंदराबाद के या तेलंगाना के कहीं भी स्कूल में होंगे तो यकीनन एहतजाज करना चाहिए लड़कियों को भी सामने आके एहतजाज करना चाहिए उनके वालिदैन की भी सामने आके एहतजाज करना चाहिए।